हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ये मैं बना रही हूँ मिक्स वेज सब्जियाँ, बहुत सारी रखी हुई थी तो वही मैंने आज बनाया है मिक्स वेज। शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च, 1 बैंगन, 1-2 आलू, टमाटर, और इसी में डालूँगी मैं पनीर। तो पनीर ये देखिए रखा, पूरा नहीं डालूँगी, हाफ डालूँगी क्योंकि ये ज़्यादा है। और ये देखिए, इधर मैंने बनाई है 1 आलू 2 टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मेरा बेटा नहीं खाता है ये सब। उसके लिए सादा सिंपल दाल या तो भिंडी या आलू टमाटर चाहिए उसको, तो उसके लिए मैंने बना दी है आलू टमाटर। और ये देखिए, ये हमारी बढ़िया सी बन के तैयार हो जाएगी मिक्स वेज। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? दिवाली की शॉपिंग वगैरह हो गई या नहीं बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ये देखिए, मैंने पनीर काट लिया है और जो ज़्यादा है तो उसको मैं टिफ़िन में बंद करके रख दूँगी, फिर किसी दिन इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्जी या पराठे कुछ भी बन जाएगा। तो इतना पनीर डाल दूंगी मैं इसमें, और बहुत यम्मी सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा। तो और ये थोड़ी सी रखी हुई है कल की कढ़ी, तो इसको मैं अभी फिर से छौंकूंगी प्याज और ज़ीरा से। छौंकने के बाद इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगने लगती है। तो ये देखिए, फाइनली हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही देखने में बताइएगा ज़रूर। खाने में बहुत टेस्टी थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो आ जाइएगा आप लोग भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है सब्जी देखने में। अब इसमें डालूंगी मैं धनिया की पत्ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों सब्जियां बन के रेडी हो गई हैं। अब इनको मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी और इनके साथ बनाऊँगी मैं पराठे, और अपने बेटे के लिए बनाऊँगी रोटी क्योंकि वो पराठे वगैरह नहीं खाता है। और इस सूखी सब्जी के साथ पूड़ी या पराठे हम लोगों को चाहिए। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरा काम क्या कर रही हूँ मैं। ये मैं शाम को पूरा दिन इस समय पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा पूरे दिन का काम होता है तो मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिला है। तो मैं शाम को आराम ना करके और ये काम लेके बैठ गई थी। मैं इस टेबल में पेंट करना था लकड़ी वाला, ये थोड़ी सी पानी में गीली हो गई थी तो इसमें घुन टाइप का लगने लगा था, तो इसमें मुझे पेंट करना था। तो इसलिए दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं रात में करके छोड़ दूँगी और ये आराम से रात भर में सूख जाएगी। बाहर की मैंने लाइट जला ली थी। और ये देखिए, और फाइनली आपको अपना घर दिखा रही हूँ। कितनी जो भी मुझसे हो पाई है अभी तक सफाई, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इतनी हो गई है, फिर बाकी का टचअप बाद में करते रहेंगे, तो वो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए, शाम का टाइम है, संध्या बत्ती भी हो गई है। हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए आप लोग। और फ्रेंड्स, ये क्लिप मेरी आगे पीछे हो गई है। ये दोपहर का लंच टाइम का वीडियो मैंने लिया था, तो ये बाद में ऐड हो गया, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो अब रहने देती हूँ। ये पहले का है, लंच टाइम का है। ये देखिए, टाइम भी आप देख सकते हैं, 2 बज रहा है, उस टाइम का वीडियो है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आई मैं इधर भाभी से मिलने। मैंने कहा छत से ही हम लोग बातचीत कर लेते हैं, तो मुझे दिख गई। तो ये बिजी थी, अपने फ़ोन में किसी से बातें कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी देर खड़ी हुई फिर चली गई अपना अंदर, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, बस अब दिया बत्ती का टाइम हो रहा था पूजा पाठ का, तो वही मैं आ गई करने। और तो फिर मेरा पूजा पाठ हो रहा है शाम का। शाम की पूजा में बिल्कुल भी नहीं भूलती करना, यदि घर से कहीं निकल गई तो बात अलग है, वरना मैं शाम की दिया बत्ती ज़रूर करती हूँ, करना चाहिए। और बस शाम की पूजा करेंगे। गले में मेरे, आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि गले में मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, गले में खराश है मुझे, डस्ट वगैरह होने लगने से।
हो जाता है गला ख़राब दिवाली में, दिवाली के टाइम पे। तो बस अब इधर कर लेंगे हम पूजा वगैरह, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम रहता है खाना बनाने के का भी बहुत टाइम है खाना बनाने के लिए। और दिवाली की सफाई करने के बाद घर कितना सुंदर दिखने लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर डेकोरेट करना, सजाना, घर को साफ सुथरा रखना मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा वैसे भी करती ही रहती हूँ, हर 2-4, 10 दिन में, 8 दिन में साफ़ सफाई। तो मेरे यहाँ ये नहीं है कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ फॉर्मेलिटी करनी होती है कि पूरी करनी चाहिए ऊपर से अच्छे से, वो जो कि मैं हर मंथ करती ही रहती हूँ। तो चलिए अब जाती हूँ मैं बाहर, बाहर तुलसी जी में दीपक जलाऊंगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो देखिए मैंने दूध रखा हुआ है गैस पे, दोनों गैस पे चढ़ा हुआ है, तो ये गर्म हो जाएगा तो फिर बंद करूंगी। और ये देखिए ये कल मैं डिब्बे लेके आई थी, ये बैक कैमरा, ये 4 डिब्बे लेके आई थी मैं, 2 पहले के थे। तो कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। अभी मैं और लाऊंगी, ये प्रसाद। अभी दूध उबलने में टाइम है तो मैं रख के छोड़ के आ गई हूँ बाहर छत पे, थोड़ी देर टहलूंगी। स्लीपर कहाँ गई मेरी? देखते हैं बगल वाली भाभी क्या कर रही है। तो ये देखिए भाभी साफ कर रही हैं मूंगफली। तो बेचारी दिन भर ये भी बिजी थी, तो शाम को अभी टाइम मिला तो साफ़ करने लग गई हैं। और मैं आ जाती हूँ, फिर मुझे जाना है नीचे, नीचे जाना है दुकान पे गुड़ लेने, गुड़ चाहिए मुझे। तो मैं वही बस, ये देखिए सही टाइम पे आई हूँ मैं, किचन में दूध उबल ही रहा था, गैस बंद किया, पैसे लिए, अब जाऊंगी मैं नीचे, नीचे ही शॉप दुकान है, ले लिए पैसे 30 रुपये, थोड़ी ही लेके आऊंगी, ज़्यादा नहीं। जीना पे पूरे में अंधेरा है, दुकान हमारी नीचे ही है, दूर नहीं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए अब रात का समय हो चुका है, डिनर वगैरह हमारा हो गया है। मैं बाहर छत पे बैठी हूँ, टहलने के लिए आई हूँ, लेकिन टहला नहीं जा रहा मुझसे, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, इस समय काम ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैं आके बैठ गई हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स इधर मैं छत पे आके बैठ गई हूँ और थोड़ी सी देर बैठी, फिर सर्दी लगने लगी थी, बाल खोल लिए हैं, सर में मेरे दर्द हो रहा है। देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक साइड मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं बैठ गई थी, फिर मुझे सर्दी लगने लगी, अंदर चली गई। तो फ्रेंड्स बस मैं वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। वीडियो पसंद ज़रा भी आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।